किंगडम प्लांटी को हम पढ़े थे, और किंगडम प्लांटी में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी सब डिवीजन टेरोप्सिडा की, के टेरोप्सिडा के अंदर थ्री क्लासेस पाई जाती हैं। ठीक है, टेरोप्सिडा को हमने देखा था, और फिर हमने देखा था कि इनके अंदर इसके अंदर थ्री क्लासेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी क्लासेस थी? एक थी फिलिसिने, एक थी जिम्नोस्पर्म, और एक एंजियोस्पर्म। आज हम इन्हीं क्लासेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिलिसिने को देख लेते हैं। क्लास फिलिसिने के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इसमें जो भी प्लांट्स होंगे वो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनके बीज नहीं होते, और इनको हम फर्न्स भी कहते हैं। इनका अगर हैबिटेट देखें कि ये कहाँ पाए जाएंगे, तो हम देखते हैं कि मोस्टली ये हिली एरियाज़ में होते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर हो। ठीक है, तो हिल्स में हम इन्हें देखते हैं, प्लेन्स में भी होंगे, बट प्लेन्स में वहाँ पे जहाँ पे इनको मॉइस्चर मिलेगा या शेड मिलेगा। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड शेड और मॉइस्चर लविंग प्लांट्स। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो कि ड्राई लैंड पे भी होते हैं, बट मोस्टली ये मॉइस्चर पे या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो वहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, और इनमें कुछ जो है उनको हम कहते हैं वो दे आर एपिफाइट्स या एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं। एपिफाइटिक का मतलब ये है कि ये ग्रो करते हैं ऑन ट्रीज। ठीक है, दे ग्रो ऑन ट्रीज। अक्सर कभी आप हिली एरियाज में चले जाएं तो आपको ट्रीज़ के ऊपर कुछ बेलें सी दिखाई दे रही होती हैं। ठीक है, एक प्लांट ट्री के ऊपर ग्रो हुआ हुआ होता है और उसके ट्रंक को उसने कवर किया हुआ होता है, तो वो क्या है? वो एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं, और वो क्लास फिलिसिने से बिलोंग करते हैं। और ये क्या है? ये एक किस्म की एसोसिएशन है इन प्लांट्स की ट्रीज़ के साथ। ठीक है, और इस एसोसिएशन को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मोस्टली ये प्लांट जो हैं अर्थ के ऊपर ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका हैबिटेट। इसके साइज़ की अगर बात की जाए, प्लांट साइज़ जो है, तो साइज़ हम कहते हैं कि वो वेरी करता है। इसका मतलब है कि साइज़ चेंज होता रहता है। बहुत छोटे प्लांट्स भी होते हैं और बहुत बड़े प्लांट्स भी होते हैं। साइज़ वेरी करने का मतलब ये है कि अक्सर ये प्लांट्स जो हैं वो बेल की सूरत में होते हैं। ठीक है, बेल आप जानते हैं ना कि वो लंबी सी स्ट्रेट बेलें बनी हुई होती हैं। अक्सर घरों में भी हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं हमारे, उनमें भी इसी तरह होता है। तो उनका साइज़ समटाइम्स वो छोटे भी होते हैं, और डिपेंड करता है वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं। जब उनको सूटेबल टेम्परेचर मिल रहा है, सूटेबल उनकी जगह है, मॉइस्चर उनको अवेलेबल है, तो उनका साइज़ बड़ा भी हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दे वेरी इन साइज़। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है एडियंटम, एग्जांपल्स, और लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी एडियंटम की। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल में है टेरेस, ड्राइव टेरेस एंड टेरिडियम। इस इमेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये है एडियंटम, ये प्लांट है ड्राइव टेरेस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेरिडोफाइट्स को, और ये है टेरेस। अगर आप गौर करें तो इस तरह के पौधे अक्सर आपने घरों में लगे हुए देखे होंगे, या कभी आप नर्सरी जाएं तो वहाँ पे इस तरह के पौधे होते हैं। ये मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं और ग्रीनरी के लिए घरों में रखे जाते हैं अक्सर। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली क्लास फिलिसिने की। इन एग्जांपल्स में से एडेंटम को हम डिटेल में देख लेते हैं। एडेंटम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके प्लांट बॉडी और इसके लाइफ साइकिल को तो हम देख लेते हैं। एडेंटम, एडेंटम की पिक्चर भी अभी आपने देखी थी, जिसमें आपको कुछ ट्राइंगुलर किस्म के लीव्स दिखाई दे रहे थे। ये है एडेंटम। एडेंटम मोस्टली जो है ये भी बेल की सूरत में पाया जाता है, और इसको हम कहते हैं मेडन हेयर फर्न। ये इसका कॉमन नेम भी है, मेडन हेयर फर्न।
ये कहाँ पाया जाता है? जैसे हमने फ्लेसेने के एग्जांपल्स में देखा था, ये भी मोस्टली मॉइस्चर में होता है, मॉइस्ट वॉल्स वगैरह में, या फिर बहता हुआ पानी कहीं पे हो, वाटर कोर्स के अलोंग ये पाया जाएगा। और जैसा कि भी आपने इसकी पिक्चर में भी देखा कि ये एक हर्ब की शक्ल में होती है, ठीक है, छोटी सी जड़ी बूटी की शक्ल में होते हैं, स्मॉल हर्ब की तरह। और इसके अंदर आपने जैसे कि पिक्चर में भी देखा कि स्टेम्स और लीव्स आपको दिखाई दे रहे थे, ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इनके अंदर डेफिनेट रूट, स्टेम्स एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। अब रूट, स्टेम और लीफ को भी हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेम को। एडियंटम के अंदर जो स्टेम है वो मोस्टली जो है हम इसे कहते हैं कि वो अंडरग्राउंड होती है, ज़मीन के अंदर होती है, और वो शॉर्ट होती है साइज़ में, थिक होती है और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है और अनब्रांच्ड होती है। आमतौर पे स्टेम हम उस हिस्से को कहते हैं पौधे में जो कि ज़मीन से ऊपर होता है, बट इस प्लांट में एडेंटम के अंदर हम देखते हैं कि स्टेम जो है वो एक तो ये के साइज़ में छोटी है, थिक है, अनब्रांच्ड है और ज़मीन के अंदर है, और ग्रो करे होती है ये राइजोम के ऊपर। राइजोम क्या है? राइजोम हमने कहा था ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर राइजोइड्स होते हैं जो कि ज़मीन से वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइजोम है, राइजोम प्रोटेक्ट हुआ होता है कुछ ब्राउन स्केल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि कांटों की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रेमेंटा, ठीक है। तो ये हमने देख ली इसकी स्टेम। इसके बाद हम देख लेते हैं रूट को। जैसे कि हमने राइजोम की बात की है और राइजोम के साथ हमने कहा है कि राइजोइड्स अटैच्ड होते हैं और इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसे हम कहते हैं रेमेंटा। तो ये जो राइजोम का निचला हिस्सा है जिसे हम पोस्टेरियर एंड भी कह सकते हैं, उस पे कुछ रूट्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट जो है वो रूट्स की एक टाइप है, और फाइब्रस मीन धागे नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये हमने कहा है कि राइजोम के निचले हिस्से पे, लोअर साइड ऑफ राइजोम पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमने रूट को देख लिया, इसके बाद हम देख लेते हैं लीव्स को। लीव्स के लिए फ्रॉन्ट का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। इस इमेज में अगर आप देखें तो आपको एडेंटम के लीव्स दिखाए गए हैं, और जैसे कि मैंने बात की थी कि थोड़े से ट्राइंगुलर टाइप शेप होती है इनकी, इनको हम कहते हैं दे आर कंपाउंड फ्रॉन्ट्स। कंपाउंड फ्रॉन्ट्स, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये राइजोम, ये जो हमने रूट की बात की थी ना, राइजोम, राइजोम के अपर पार्ट यानी के ऊपर के हिस्से पे। इसके अलावा जब हम यंग लीव्स को देखते हैं, ये तो हमारे पास एक मेच्योर लीफ आपको दिखाया गया, ठीक है, यंग लीव्स यानी कि जब लीफ बनना शुरू होता है, छोटा होता है, तो उसके अंदर सरसिनेट वेनेशन प्रेजेंट होती है। सरसिनेट वेनेशन, सरसिनेट वेनेशन क्या है? सरसिनेट वेनेशन होता है कॉइलिंग। जब भी लीफ, यंग लीफ बनता है तो वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है, राउंड फॉर्म में होता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो कॉइलिंग है वो खुलती जाती है, तो जो कॉइलिंग है इसको हम कहते हैं सरसिनेट पर्नेशन। लीफ के अंदर स्टाइप और रेचेस दोनों ब्लैक कलर के स्मूथ और शाइनी होते हैं। यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखें तो ये वाला जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, इसको हम ये वाला, ठीक है, ये क्या है? ये कहलाता है रेचेस, और ये हिस्सा ये कहलाता है स्टाइप। तो ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि ये क्या है, ये ब्लैक कलर में होता है और स्मूथ होता है और शाइनी होता है। इसके अलावा लीव्स में लीफलेट्स होते हैं जैसे कि आपको यहाँ दिखाए गए हैं, इसको अगर मैं ग्रीन से यूँ हाईलाइट करूँ, ठीक है, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, ठीक है। तो लीफलेट्स जो हैं इनके अंदर डायकोटोमस वेनेशन पाई जाती है, डायकोटोमस वेनेशन। और डायकोटोमस वेनेशन का क्या मतलब है? इनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो डिवाइड हुई हुई होती हैं डायकोटोमसली, यानी कि दो दो में डिवाइड होती है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि यूं दो की ब्रांचेज में डिवाइड होंगी, ये ब्रांचेज फिर मजीद दो में, ये ब्रांचेज फिर मजीद दो में, इस तरह से करके टू टू में डिवाइड हुई हुई होती हैं ये।
और ये जो एक लीफलेट है ये कहलाता है पिना, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये कहलाता है पिना। ये हमने लीफ को देख लिया। लीफ के साथ ही अटैच होते हैं सुराय। सुराय क्या चीज़ है? मल्टीपल हो तो सुराय, सिंगल हो तो हम इसको सोरस भी कहते हैं, ठीक है। सुराय जो है ये है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। इस इमेज में अगर आप देखें तो आपको एक प्लांट स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें क्या है, यहाँ पे आपको राइजोम दिखाया गया है, ये राइजोम, स्टॉक, रेचिस, पिन्ना, सुराय। अच्छा सुराय क्या है? सुराय को जो हम यहाँ देख रहे हैं, सुराय आपको एक लीफ नुमा स्ट्रक्चर ही दिखाई दे रहा है। ये लीफलेट्स के जो मार्जिन्स हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इस सुराय के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं फॉल्स इंड्यूशियम। यहाँ पे एक कवरिंग होगी जो कहलाएगी फॉल्स इंड्यूशियम। इसको आप कवरिंग के लिए, बेसिकली होता ये है कि ये जो लीफलेट्स हैं ये बेंड हुए हुए होते हैं। इस इमेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको सुराय दिख रहे होंगे, ये लीव्स हैं, ठीक है, लीफलेट्स हैं, और लीफलेट्स जो हैं वो बेंड हुए हैं, ठीक है। और ये जो बेंड हुई हुई चीज़ है ये क्या है? ये सुराय है, और इसके जो नीचे वाले हिस्सा है वो एक कवरिंग पर मुश्तमिल है जो कहलाता है फॉल्स इंड्यूशियम। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको फॉल्स इंड्यूशियम और भी ज़्यादा क्लियर दिखाया गया है। ये जो पत्ता है उसका, पत्ता कह लें आप उसको, या लीफलेट का जो निचला हिस्सा है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक कवरिंग कह लें या इसका जो मार्जिन बेंट हुआ है वो आपको दिखाया गया, ठीक है। और ये क्या है? ये है फॉल्स इंड्यूशियम। और इस फॉल्स इंड्यूशियम के अंदर होता क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो जैसे कि इस इमेज में भी अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, तो ये डॉट्स क्या हैं? ये डॉट्स हैं स्पोर्स। तो ये हमने सुराय को देख लिया, और इसके साथ ही एडेंडम के जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एडेंडम। एडेंडम के अंदर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब है कि जो दोनों जनरेशन हैं, एक स्पोरोफाइट जनरेशन और एक गैमेटोफाइट जनरेशन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ इस तरह से कि ये डोमिनेंट जनरेशन है और गैमेटोफाइट जनरेशन जो है, गैमेटोफाइट जनरेशन ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती है, ये रिड्यूस होती है, ठीक है, और सेपरेट होती है, मोस्टली ये अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट भी मेंशन कर देते हैं। ये हमने देख लिया स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को। डिप्लोइड स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर हम जानते हैं कि स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा वो क्या है? वो सोराय हमने देखा, ठीक है। तो हमारे पास है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट जो है वो सोराय पर मुश्तमिल है, और सोराय जो है वो ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर है जो कि लेटर स्टेजेस पे, यानी कि प्लांट जब मेच्योर हो चुका होता है तो वो डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब ये जो सुराय हम स्ट्रक्चर पढ़े हैं इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हर सुराय, यानी कि ईच सुराय कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पोरेंजिया, हर सुराय पे ढेर सारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, और स्पोरेंजिया वो जगह है जहाँ पे हम जानते हैं कि स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और सुराय को हम जानते हैं कि इट इज़ कवर्ड विद फॉल्स एंड्यूशियम, जैसे कि अभी हमने ऊपर इमेजेस में भी देखा, कवर्ड विद फॉल्स इंड्यूशियम, ठीक है। और जिन लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया होता है उन लीव्स को हम स्पेशल नाम स्पोरोफिल्स, यानी वो लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होगा। तो ये हमने सुराय को देख लिया। अब हम थोड़ा सा स्पोरेंजिया को भी देख लेते हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजिया अगर सिंगल होगा तो स्पोरेंजियम कहेंगे हम इसे। स्पोरेंजियम जो है वो इस केस में स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, और एक बाई कन्वेक्स सिलेंडर की शेप इसने बनाई होती है, ठीक है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक तो ये फ्लैटेंड है और
बाय कन्वेक्स बॉडी है इसकी, एक सिलेंडर नुमा बॉडी, और ये जो बाय कन्वेक्स बॉडी है यानी कि एक कैप्सूल नुमा बॉडी हमारे पास जहाँ बनी हुई होगी, वो कैप्सूल की जो वॉल्स हैं वो थिन वॉल्स होंगी, यानी एक कैप्सूल है और इसकी जो वॉल्स हैं वो थिन वॉल्स होंगी। इसको हम अपने इमेजिनेशन के लिए ड्रॉ भी कर लेते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, और इसकी वॉल्स हमने कहा कि थिन वॉल्स हैं। अब ये जो कैप्सूल है इसके जो मार्जिन्स हैं यानी कि जो किनारे हैं वो स्पेशल टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं, और वो दो तरह के सेल्स हैं, एक कहलाता है एनुलस और दूसरा कहलाता है स्टोमियम। ये जो एनुलस है ये तकरीबन 3/4 ऑफ एज को कवर करता है, ठीक है, 3/4 हिस्सा, और स्टोमियम जो है वो 1/4 ऑफ एज को कवर करता है। और इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि एनुलस के जो इनर वॉल के सेल्स हैं वो थिक होते हैं, थिक सेल्स, ठीक है, जबकि स्टोमियम के अंदर हम देखते हैं कि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, यानी कि थिन सेल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है एनुलस और स्टोमियम का, और ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, इसके एज को बना रहे हैं। अच्छा, और स्पोरेंजियम के अंदर हम जानते हैं कि स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, और जब भी वेदर ड्राई होता है तो होता ये है, वेदर ड्राई होने की वजह से जो एनुलस है इसके क्योंकि थिक सेल्स हैं तो एनुलस कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये जो स्टोमियम है, स्टोमियम के जो सेल्स हैं ये रप्चर कर जाते हैं क्योंकि इनकी वॉल्स थिन हैं, ठीक है, तो सेल जब रप्चर कर जाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर मौजूद जो स्पोर्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे वो बाहर आ जाएंगे और वो हवा के थ्रू, विंड के थ्रू किसी भी दूसरी लोकेशन पर चले जाएंगे या डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, स्पोर्स वो जगह ढूंढेंगे जहाँ पर उनको अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेंगी ताकि वो जर्मिनेट कर सके, तो मोस्टली वो मॉइस्ट सॉइल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, और ऐसी जगह जहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर हो, और जब उनको सूटेबल टेम्परेचर और मॉइस्ट लोकेशन मिल जाती है तो वहाँ पे जाके वो जर्मिनेट करते हैं। और इसको भी मेंशन कर देते हैं कि स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे, और जब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो हमारे पास एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है, और इस केस में ये जो यंग गैमेटोफाइट है ये किस चीज़ पे मुश्तमिल है, इसे हम कहते हैं प्रोथेलस। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम प्रोथेलस की भी देख लेते हैं। प्रोथेलस जो कि बेसिकली अब न्यू प्लांट का गैमेटोफाइट है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि अपनी फूड खुद बना सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली भी गैमेटोफाइट एग्जिस्ट कर सकता है, और ये साइज में छोटा होता है और हार्ट शेप्ड होता है। अच्छा, अब ये जो एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर है इसके एक साइड पे हमें एक नॉच नज़र आती है, यानी कि ये वो एरिया है जहाँ से ये ग्रो कर सकता है, ये ग्रोइंग पार्ट है, ग्रोइंग टिप हम इसे कहते हैं, ठीक है, ये इंटीरियर साइड पे ये होगा, और इसकी जो पोस्टीरियर साइड होगी यानी कि दूसरी साइड होगी, निचले साइड, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स। ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं और लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, और इन राइजोइड्स का काम क्या है, दो फायदे या दो काम हैं इनके, एक तो ये कि ये प्रोथेलस को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, और दूसरा ये कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इस प्रोथेलस के जो सेल्स हैं ये राउंडेड थिन वॉल सेल्स होते हैं, और इसका जो मार्जिन यानी कि जो किनारा होता है वहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं वो वन सेल थिक होते हैं, यानी कि उनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वन सेल की, जबकि जो अंदर का पोर्शन होता है वो मैनी सेल्स यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा प्रोथेलस को हम कहते हैं कि ये मोनोइशियस होता है। मोनोइशियस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों सेम प्लांट एक ही पौधे पर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब जब ये प्रोथेलस जो है वो मैच्योर हो जाता है, ये तो हमने इसके इनिशियल या यंग प्रोथेलस की बात की, जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसके ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया हम जानते हैं कि वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। अब ये जो एंथ्रीडिया है ये कहाँ होते हैं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं राइजोइड्स के ऊपर, और आर्चिगोनिया जो है
ये एक नॉच जो हमने कहा था ना कि ग्रोइंग एज है, ये वहाँ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एंथ्रीडियम जो है इसके ऊपर स्पर्मेटोजॉइड्स बनते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजॉइड्स यानी कि स्पर्म्स, जबकि आर्चिगोनिया के ऊपर क्या बनता है, इसके ऊपर होते हैं एग्स। ये आर्चिगोनिया बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, कहलाता है वेंटर और एक कहलाता है नेक। वेंटर वो जगह है जहाँ पे एग प्रेजेंट होता है, और उसके बाद जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब भी वो वेंटर के अंदर ही रहता है। और जब एंथ्रेजॉइड्स यानी कि स्पर्मेटोजॉइड्स एंथीडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो वो आर्चिगोनियम की तरफ आते हैं, और आर्चिगोनियम की तरफ मोस्टली ये स्विम करके या मूव करके आते हैं, और मूव कैसे करते हैं, विद हेल्प ऑफ सीलिया, इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो आर्चिगोनिया के पास पहुंच जाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एग, और कोई एक स्पर्मेटोजॉइड या कोई एक आर्चिगोनियम जो है वो इस एग को फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हम जानते हैं कि एक ओस्पोर बनता है, ठीक है। पहले हमने क्या कहा कि फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ओस्पोर। ये ओस्पोर जो है ये ग्रो करेगा, पहले इससे जाइगोट, एम्ब्रियो, और फिर अल्टीमेटली इससे एक स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा। तो ये हमने देख लिया स्पोरोफाइट किस तरह से बनता है। अब यहाँ पे ये जो यंग स्पोरोफाइट है मोस्टली ये गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच्ड होता है, क्योंकि अभी ये यंग है, लेकिन लेटर ऑन जब ये ग्रो करता जाता है तो ये फिर इससे इंडिपेंडेंट हो जाता है। एक इमेज है मेरे पास जिससे हम इसके लाइफ साइकिल को एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बात की है कि हमारे पास जब स्पोरेंजिया होते हैं तो स्पोरेंजिया के अंदर डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स डिस्पर्स करते हैं, डिफरेंट जगहों पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाके ये ग्रो करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पोर जो है ये जर्मिनेट किया, इसके अंदर से एक न्यू प्लांट बना जो कहलाता है यंग गैमेटोफाइट। यंग गैमेटोफाइट हमने कहा था कि हार्ट शेप्ड का होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्ट शेप आपको दिखाई दे रही है। इस हार्ट शेप के एक साइड पे हमने कहा है कि राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, और दूसरी साइड जो है जहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट है यहाँ पर होते हैं एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। अब एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं, जबकि आर्चिगोनियम के अंदर एग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एग दिखाया गया है, और ये जो स्पर्म्स हैं ये मूव करके आते हैं एग तक, और इनकी होती है फर्टिलाइजेशन। जब ये एग फर्टिलाइज हो चुका होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जाइगोट दिखाया गया, ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड एग है। और फिर इसका क्या काम है, फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रोथ होती है, ये ग्रो करता जाता है और एक न्यू स्पोरोफाइट बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो एक गोल दायरे में दिखाया गया था ये स्ट्रक्चर, अब ये ग्रो करके एक न्यू स्पोरोफाइट बना चुका है, और स्पोरोफाइट जो है मजीद ग्रो करता है तो हमारे पास एक मैच्योर स्पोरोफाइट, एक मैच्योर प्लांट बन जाता है। और उसके लीव्स पे फिर दोबारा उसी तरह से वो साइकिल जो है वो कंटिन्यू होता है। इसके लीव्स के ऊपर हमारे पास बनते हैं सोराए, सोराए ये हमने देखा था सोरस, ठीक है। और सोराए के ऊपर क्या, सोराए क्या है, बेसिकली ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, ठीक है। उसके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, स्पोर्स, और फिर ये पूरा साइकिल जो है वो इसी तरह चलता जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको अगर हम समराइज़ कर लें जल्दी से, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्लास फिलिसिने की बात की, कुछ हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, और उसके बाद हमने इसकी एक एग्जांपल एडेंटम को डिटेल में देखा, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखा, इसके लीव्स को डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने इसके लाइफ साइकिल को डिटेल में देख लिया। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास टेरोप्सिडा की जो बाकी क्लासेस हैं यानी कि जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, हम उनको डिटेल में देखेंगे।